नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक नाथ त्रिपाठी, द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, पाठ्यक्रम कोड 502 के अंतर्गत एक विषय क्षेत्र में समेकन के बारे में चर्चा करूँगा। एक विषय क्षेत्र में समेकन, इस प्रकार के समेकन में शिक्षण के दौरान एक ही विषय के विभिन्न ज्ञान कौशल को एक साथ जोड़कर अधिगम कराया जाता है। इंटीग्रेशन जो विद इन सब्जेक्ट, जिसे हम अंतः विषयी समेकन बोलते हैं या एक विषय में समेकन बोलते हैं, इसको हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब शिक्षक के द्वारा कक्षा शिक्षण के दौरान एक ही विषय के विभिन्न पाठों के भिन्न भिन्न संप्रत्ययों को आपस में समेकित कर अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है, तो उसे हम विषय क्षेत्र के अंदर समेकन कहते हैं। एक ही विषय के विद्वानों या एक ही शैक्षणिक अनुशासन के दायरे के भीतर होने वाले इस तरह के अनुशासन में सक्रिय लोगों के बीच होने वाले एकीकरण को हम एक विषयी समेकन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अंतः विषयी समेकन में केवल एक विषय क्षेत्र के अंदर आने वाली अधिगम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। जो एक विषयी समेकन होता है, उसमें मूल रूप से हम एक विषय क्षेत्र में जो भी अधिगम की समस्याएं होती हैं, उसको हम समाधान करने का प्रयास करते हैं, और वह समाधान अत्यंत गहराई के साथ, यानी जब हम शिक्षण कर रहे होते हैं तो उस शिक्षण बिंदु को अत्यंत डीपली स्टडी करते हैं, अत्यंत गहराई के साथ अध्ययन कर रहे होते हैं। इस प्रकार के समेकन में मुख्य रूप से उस विषय से संबंधित जितने भी उप विषय के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उन पर हम विचार करते हैं। यद्यपि एकीकरण एक विषय क्षेत्र में हो रहा है और शिक्षण बिंदु को इस उद्देश्य के साथ अधिगम कराते हैं कि वो छात्रों में एक गहन समझ उत्पन्न कर सके, इसके अंतर्गत एक ही अध्ययन क्षेत्र से संबंधित समस्या का समाधान अनुसंधान के द्वारा खोजा जाता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि कोई समस्या किसी विशेष अध्ययन क्षेत्र के विशिष्ट भाग या पक्ष से संबंधित हो। एक विषयी समेकन में सामान्य रूप से हम क्या करते हैं या शिक्षक क्या करता है, जैसे वो एक विषय पर अध्ययन करता है, वो जैसे न्याय पे अध्ययन कर सकता है, अर्थशास्त्र पे कर सकता है, समाजशास्त्र पे अध्ययन कर सकता है, इसमें आदान प्रदान करता है इसकी विधियों का। किंतु जब एक से अधिक अध्ययन क्षेत्र में समस्या समाधान हेतु विचार करता है, तो यह जो इंट्रा डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन होता है, जिसे हम अंतः विषयी समेकन कहते हैं, सीमाओं में बंध जाता है, क्योंकि इसके द्वारा एक समय में केवल एक ही विषय के विस्तृत रूप से स्पष्ट किया जा सकता है और उसका अध्ययन किया जा सकता है। अतः सार रूप में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के समेकन में मुख्य जोर समस्या के समाधान करने, कार्य करने, ज्ञान व कौशलों का संचार करने तथा ज्ञान एवं कौशलों को समन्वय पर जोर दिया जाता है। एक विस्तृत अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत कई उप अध्ययन क्षेत्र भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जैसे सामाजिक विज्ञान है या सामाजिक अध्ययन, अब उसके अंतर्गत बहुत सारे जो है विषय हैं, विस्तृत हैं। सोशल स्टडी एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, उसके अन्य विषय के रूप में, हम उप विषय के रूप में भी इसको ले सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि जैसे डाइनिंग टेबल पे मान लीजिए हम सभी के घर में फल रखे होते हैं, टोकरी में फल रखा होता है, और वो फल विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सेब हो सकता है, अनार हो सकता है, गाजर हो सकता है, खीरा हो सकता है, इस तरह के तमाम तरह के फल हमारे डाइनिंग टेबल के टेबल पे एक टोकरी में रखा होता है। लेकिन ये समस्त जो फल होते हैं, उनका अपना अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अपना एक स्वाद होता है, कोई मीठा है, कोई खट्टा है। इन फलों को अगर हम मिक्स करके इसको एकीकृत करके कोई रूप दें, जैसे सलाद बना लें, तो उसका स्वाद बदल सकता है। इसी तरह से अंतः विषयी समेकन में अध्यापक क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों को आपस में मिला करके, वो एकीकरण करके जो अधिगम प्रक्रिया करा रहा होता है, उसको सरल, सुगम और आसान बना लेता है। और यही हम करते भी हैं। सारांश के रूप में अंतः विषयी समेकन एक शैक्षिक अध्ययन की परिसीमा के अंतर्गत होता है। एक ही विषय का अध्ययन किया जाता है, इसमें एक ही विषय की प्राकृतिक सीमाओं, विशेषताओं एवं क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक ही विषय के विशिष्ट लक्ष्य, क्षेत्र एवं विधियां होती हैं, जो विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करती हैं। इस उपागम में अभ्यास एवं अधिगम को
एक ही विषय पर केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है। यह क्यों आवश्यक है और अंतः विषयी समेकन हम प्राथमिक कक्षा में प्रयोग करने हेतु क्यों बल देते हैं? अंतः विषयी समेकन में सबसे पहले जो आवश्यक है वो यह है कि कॉन्सेप्ट मैपिंग, यानी जिस कॉन्सेप्ट का हम शिक्षण अधिगम कर रहे होते हैं या विद्यार्थियों को हम किसी विषय वस्तु का ज्ञान दे रहे होते हैं उसके बारे में विद्यार्थियों के अंदर एक संकल्पना कॉन्सेप्ट मैपिंग करना आवश्यक होता है। इससे विद्यार्थियों को जो संप्रत्यय है, जो प्रकरण है, उससे संबंधित विभिन्न बिंदुओं की जानकारी हो जाती है। इसे माइंड मैप भी हम बोलते हैं। यह एक विधि होती है जिसमें हम विचारों का संयोजन कोऑर्डिनेशन करते हैं, ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तार्किक ढंग से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। इसमें मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट मैपिंग की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि जब हम एक संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्यय से जोड़ रहे होते हैं तो हम नया ज्ञान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसमें हम नवीन विचार करते हैं, नवीन ज्ञान के बारे में बात करते हैं, हम जटिल विचारों के का संप्रेषण कर सकते हैं, नवीन एवं पूर्व ज्ञान को एकत्रित करके स्पष्टता दिखा सकते हैं, जो हमारा विद्यार्थियों के समझ का स्तर है उसको भी हम कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू बढ़ा सकते हैं। इसमें कई जो है चरण हैं जिसके थ्रू कॉन्सेप्ट मैपिंग को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे जिस प्रकरण, जिस टॉपिक पे हमें कॉन्सेप्ट मैपिंग करनी है तो विद्यार्थियों को ये निर्देश दें कि उससे संबंधित जितने भी संप्रत्यय हैं उसकी वो पहचान करें, अर्थात समस्त संप्रत्ययों की पहचान। जैसे मान लीजिए कि किसी कक्षा में हमें प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना है, छोटी कक्षा में, कक्षा आठवीं में या उससे ऊपर की कक्षा में कहीं प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना है तो उससे संबंधित जितने भी, जैसे प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, हाइड्रोजन क्या है, जल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अप्रकाशिक पद क्या होते हैं, इन संप्रत्ययों को विद्यार्थियों को विशिष्ट तथ्य उपलब्ध कराना और उदाहरण के द्वारा उसे सीखने के लिए भी कहा जा सकता है। इस तरह से हम कॉन्सेप्ट मैपिंग करा करके एक विषय में समेकन कर सकते हैं। मूल रूप से जो समेकन होता है उसे अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। उसमें कई सारे एडवांटेज मिलते हैं शिक्षक को, विद्यार्थियों को। उसमें से जैसे अंतः विषय समेकन के अगर हम बात करें कि लाभ क्या होते हैं विद्यार्थियों को, तो उसमें पहला जैसे छात्र, कर्मचारी और माता पिता से उत्साह। जब हम किसी एक संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्यय के साथ जोड़ करके अधिगम करा रहे होते हैं तो वो अस्थाई होता है, उससे विद्यार्थियों में उत्साह होता है और उनकी उपस्थिति में वृद्धि होती है। एक तो ये लाभ होता है। दूसरा, चूंकि जब बच्चे अधिगम प्रक्रिया में रुचि ले रहे होते हैं तो निश्चित रूप से यह स्वाभाविक है कि जब बच्चे रुचि लेंगे तो उनके प्राप्तांकों में सुधार होगा। अतः अंतः विषयी समेकन का दूसरा जो लाभ है वो ये है कि परीक्षा के प्राप्तांकों में सुधार होता है। तीसरा, यह अवसर प्रदान करता है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखें। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण लाभ होता है वो ये होता है कि कम समय में अधिक पाठ्यक्रम को कवर करने की क्षमता विकसित हो जाती है। विद्यार्थी को और शिक्षक को, दोनों को समय के अनुकूल या मतलब कम समय में अधिकतम पाठ्यक्रम को एक संप्रत्यय के साथ दूसरे संप्रत्यय को जोड़ करके अधिगम कराने में आसानी होती है और उससे पाठ्यक्रम भी जल्दी समाप्त हो जाता है। अंतः विषय समेकन की कुछ विशेषताएं हैं, एक एक करके हम विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसे एक ही विषय के विभिन्न संप्रत्ययों का एक साथ समेकन करते हुए अध्ययन करना। दूसरा है इसकी विशेषता, ज्ञान एवं कौशल को एक विषय के अंदर संगठित करना, विषय की अलग अलग वैचारिक संरचनाओं को स्थान देना। इसका प्रमुख उद्देश्य विषय के ज्ञान और कौशलों को एकीकृत रूप में प्रस्तुत करना, मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक विषय के अंदर के ज्ञान और कौशल को एक स्तर से दूसरे स्तर में जोड़ना, इसमें एक विषय की सीमाओं के अंदर ही अध्ययन किया जाता है। एक विषय के अंदर समेकन का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाना होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम अंतः विषयी समेकन में बात करें कि इसको कैसे कक्षा शिक्षण में कैसे हम अंतः विषयी समेकन का प्रयोग करेंगे, तो जैसे देखिए कोई भी हम किसी छोटी कक्षा के लिए कोई संप्रत्यय लेते हैं, कोई दक्षता लेते हैं, एक विषय वस्तु को केंद्र मान करके हम उसको पढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे भाषा शिक्षण में है तो हम शुद्ध उच्चारण करना सिखा सकते हैं,
हम पर्यावरण के विभिन्न संपत्तियों को जोड़ते हुए गणित में लाभ हानि सिखाने की प्रक्रिया को प्रतिशत के साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह से हम अंतःविषयी समेकन कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि अंतःविषयी समेकन क्या होता है और इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे। सोचिए, अगर हमें कक्षा 4 में पर्यावरण पढ़ाना हो तो हम कैसे विभिन्न संपत्तियों को समेकित करेंगे। 2 मिनट के लिए हम विचार करें कि हमारे जो कक्षा है उसमें हम पर्यावरण नामक पाठ की चर्चा करने वाले हैं और उस पाठ को अन्य पाठों के साथ समेकित करना चाहते हैं, या जो पाठ है पर्यावरण उसका अन्य किसी पाठ के साथ क्या क्या संबंध है यह हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण से संबंधित अन्य दक्षताएँ क्या होती हैं और उसके अंदर कौन कौन सी दक्षताएँ हैं। संक्षेप में अगर हम पर्यावरण की बात करें तो हमारे चारों ओर के आवरण को हम पर्यावरण के रूप में परिभाषित करते हैं और उसमें निम्न बिंदु निकल करके आते हैं। परिवार हुआ, पास पड़ोस हुआ, गांव में त्यौहार, इस तरह से जो संपत्तियां हैं, जो दक्षताएं हैं, वो पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। अब इन तीनों बिंदुओं को हम मानते हैं कि हमें अध्ययन कराना है विद्यार्थियों को समेकित, यानी विषय क्षेत्र के अंदर एक पाठ का दूसरे पाठ के साथ समेकन करते हुए, एक दक्षता का दूसरी दक्षता के साथ समेकन करते हुए अध्ययन कराना है। तो हम पूछें विद्यार्थियों से, परिवार किसे कहते हैं, आप परिवार में किस प्रकार मदद करते हैं, पास पड़ोस से आपको क्या लाभ होता है। फिर पूछें कि जो पास पड़ोस है उनका पर्यावरण को स्वच्छ रखने में क्या भूमिका होती है। इस तरह से बच्चा परिवार के बारे में परिभाषित कर पाएगा, परिवार में वो किस तरह की भूमिका में है ये भी बता पाएगा, और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, शुद्ध रखने में पास पड़ोस और समाज का क्या योगदान है वो भी बता पाएगा। यानी एक केंद्र बिंदु जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत हमने परिवार की बात की, हमने परिवार की बात की, हमने परिवार के लोगों के कार्यों की बात की, हमने पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखा जाए इसकी बात की, हमारी परिवार में क्या भूमिका है इसकी बात की। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सामान्य रूप से जब हम किसी विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे होते हैं तो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इस दक्षता का पाठ के किसी अन्य दक्षता से संबंध है या नहीं, है भी तो कैसा, जबकि हमें इस पर विचार करना होगा और करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अधिगम सरल हो जाता है और विद्यार्थियों को और आसान हो जाती है, आसानी हो जाती है उनको समझने में। तो आइए इससे संबंधित कुछ बिंदुओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले, इस तरह के समेकन में आपको अधिगम के उद्देश्यों का, पाठ के उद्देश्यों के संप्रत्यय से विभिन्न संप्रत्ययों का पता लगाना पड़ेगा कि इस संप्रत्यय का किसी दूसरे पाठ के साथ क्या संबंध है। फिर विषय क्षेत्र की प्रकृति के अनुसार समस्त संप्रत्ययों की पहचान कर उनका समाकलन करना, यानी जो सब्जेक्ट है उसका नेचर क्या है, और जो सब्जेक्ट है उसका नेचर और उसके जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका क्या रिलेशन है, उसको इंटीग्रेट करना। फिर हमारे जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, जो अधिगम अनुभव हैं, विद्यार्थियों के जो वास्तविक अधिगम अनुभव हैं, उनको उस अधिगम के साथ जोड़ना, उनका संबंध बनाना, इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। विभिन्न विधियों के माध्यम से समेकन, जैसे कोई हमने दक्षता ली, कोई संप्रत्यय लिया, तो उसको हम कहानी के माध्यम से भी पढ़ा सकते, हम उसको आगमन विधि के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं, हम उसको समस्या समाधान विधि के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। अब कौन सी विधि एप्रोप्रिएट है, या तीनों को एक साथ, कुछ दक्षताएँ कहानी के माध्यम से, कुछ दक्षताएँ समस्या समाधान के माध्यम से भी हम पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी छोटी कक्षा में शिक्षण करना हो और आपने जो विषय रखा सजीव और निर्जीव में अंतर का अधिगम अनुभव आप विद्यार्थियों को देना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सजीव से संबंधित जितने भी संप्रत्यय, यानी उसमें क्या करना होगा आपको, सबसे पहले सजीव और निर्जीव, इन दोनों सजीव से संबंधित क्या क्या संप्रत्यय हो सकते हैं उनकी पहचान करनी होगी। फिर निर्जीव से संबंधित जितने संप्रत्यय होंगे उनकी पहचान करनी होगी। फिर उन संप्रत्ययों को आपस में अलग अलग बिंदुवार लिखना पड़ेगा, जैसे सजीव में प्रजनन होता है, समायोजन करते हैं, निर्जीव प्रजनन नहीं करते लेकिन उनकी उत्पादकता बढ़ती है। तो इस तरह से जब तुलनात्मक अध्ययन विद्यार्थियों के समक्ष एक विषय का, एक प्रकरण का दूसरे प्रकरण के साथ, यानी सजीव का निर्जीव के साथ और निर्जीव का सजीव के साथ, जब तुलनात्मक और समेकित रूप आप विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे होंगे, तो वो अनुभव जो है वो अधिगम अनुभव अस्थायी होता है और इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं।
हाँ, उस पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले आपको विषय के विभिन्न अधिगम अनुभवों को पाठ के साथ जोड़ना होगा, चाहे वो आपका अपना अनुभव हो, विद्यार्थी के वास्तविक जीवन का अनुभव हो, उसको आप विषय के साथ जोड़ना होगा। फिर जो भी ज्ञान और कौशल हैं विभिन्न पाठ के एवं थीम के साथ संबंधों का विश्लेषण करना पड़ना, या जो विषय वस्तु आप विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहते हैं उसके साथ आपको कौशलों का समेकन करना पड़ेगा, ज्ञान का समेकन करना पड़ेगा। ये आपको अंतः विषय समेकन में करना होता है। प्रत्येक विषय वस्तु में अधिगम की प्रभावी विधि सुनिश्चित करना, यानी जो भी विषय वस्तु आप शिक्षण कर रहे होते हैं या करने का प्रयास करते हैं उसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या होती है, यह भी आपको निर्धारित करना होता है। विद्यार्थियों में विषय क्षेत्र के बीच समेकन की समझ हेतु, जैसे विषय के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं उनके बीच में कैसे इंटीग्रेशन आप करेंगे, इसके हित उनको मार्गदर्शन देना होता है। जैसे आप उनको बताएंगे कि सपोज टू बी कोई एक संप्रत्यय है, जैसे मान लीजिए कि हमने अभी परिवार की बात की, तो परिवार और समाज का क्या संबंध है? पहला पार्ट है परिवार और दूसरा है समाज, तो परिवार और समाज एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि समाज का परिवार के साथ और परिवार का समाज के साथ क्या संबंध है, और इस समझ के लिए आपको विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आप किसी एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण हम लेते हैं, किसी कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक का चयन करते हैं। मान लीजिए उस पाठ का नाम है गांवों का त्यौहार। अब उस पाठ पुस्तक में सबसे पहले आपको यह देखना है कि गांवों का त्यौहार है उसमें कौन कौन सी दक्षताएं हैं, किन किन दक्षताओं का हम विद्यार्थियों को अधिगम करा सकते हैं। तो सबसे पहले उस जो पाठ है गांवों के त्यौहार उसमें आपको दक्षताओं की पहचान करनी पड़ेगी। अब गांवों का त्यौहार सोचना होगा, विचार करना होगा, कौन मनाता है, परिवार क्या होता है, परिवार के सदस्य क्या हैं, पास पड़ोस का महत्व क्या है, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक जो संगठन हैं उनका उस त्यौहार के मनाने में क्या भूमिका है। इस तरह से आप कुछ दक्षताओं की पहचान कर लेते हैं, और उसके बाद से बच्चों से पूछिए, उनको अंतःक्रिया कराइए, उनको अंतःक्रिया का अवसर दीजिए कि गांव में जो त्यौहार होता है उसमें आप क्या देखते हैं। तो एक त्यौहार के बारे में उनको जानकारी मिलेगी, जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनके क्या क्या नाम हैं और वो उस त्यौहार में कैसे भूमिका निभाते हैं। उनसे इस तरह का प्रश्न पूछिए, उनसे कहिए कि गांव के लोगों के कार्यों को बताएं, गांव में विभिन्न जो संस्थान हैं, जो स्थान हैं उनकी चर्चा करिए, जैसे पंचायत भवन है। इस प्रकार से आप छात्र को एक पाठ्य के माध्यम से परिवार, परिवार के कार्य, गांव के त्यौहार, सामाजिक संगठन आदि के बारे में चर्चा कर सकेंगे, तब पाठ की किसी एक दक्षता का अन्य किसी दक्षता से समेकन कर सकेंगे। गांव में त्यौहार होता है कहाँ होता है, पंचायत भवन पे। पंचायत भवन का क्या कार्य है, पंचायत भवन सामाजिक विषय का आ गया। अब संविधान की बात आ गई कि पंचायत भवन में क्या क्या कार्य होते हैं, एक दूसरी दक्षता हो गई। हम पढ़ा रहे थे गांव में त्यौहार, उसके थ्रू हमने अन्य भी दक्षताओं को समेकित करने का प्रयास किया। शिक्षक को इस पे चर्चा करनी चाहिए। इस तरह से हम विभिन्न जो हमारे पाठ्य पुस्तक की जो विभिन्न दक्षताएं हैं उसको हम एक दक्षता को दूसरी दक्षता के साथ ले सकते हैं, और जब हम इस तरह का समेकन कर रहे होते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो उसे हम अंतःविषयी समेकन करते हैं। इससे एक तो अधिगम सुगम हो जाता है, दूसरा अधिगम अस्थायी होता है। इस प्रकार से हम अंतःविषयी समेकन की प्रक्रिया, कैसे पाठ योजना बनाते हैं, इस तरह से हम इस पाठ योजना बनाने की प्रक्रिया को भी सीख सकते हैं, अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं। तो आज हमने मुख्य रूप से अंतःविषयी समेकन क्या है इसके बारे में अध्ययन किया, समेकन की परिभाषाएं देखी, इसकी विशेषताएं देखी, अंतःविषयी पाठ योजना का निर्माण कैसे करते हैं, इसके विभिन्न लाभ क्या हैं। संक्षेप में, सारांश रूप में अगर हम बात करें, अंतःविषयी समेकन का जो अर्थ है वो ये है कि एक विषय के अंतर्गत विभिन्न दक्षताओं या एक ही विषय के विभिन्न ज्ञान कौशलों का इस उद्देश्य के साथ समेकन करना, इस उद्देश्य के साथ एकीकरण करना ताकि अधिगम प्रभावी हो सके, अंतःविषयी समेकन कहलाता है। जैसे हमने इसमें बताया कि पाठ योजना बनाने से
पूर्व हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए या बनाते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उसमें जैसे हमने बोला कि पाठ के विषय के विभिन्न अधिगम अनुभवों को पाठ के साथ जोड़ना, यानी हमने उस पाठ के जो विभिन्न अनुभव हैं उनको एक दूसरे पाठ के अनुभव के साथ कैसे जोड़ते हैं, एक दक्षता को दूसरी दक्षता के साथ कैसे जोड़ते हैं, ज्ञान तथा कौशल का विभिन्न पाठ एवं थीमों के साथ संबंधों का विश्लेषण, यानी बहुत सारी विषय सामग्री हमारे समक्ष रख दी जाए और हम विद्यार्थियों को ये बोलें कि जो प्रथम पाठ है, जो प्रथम पाठ में दक्षताएं हैं उसका दूसरी पाठ की दक्षता से क्या संबंध है, इसका विश्लेषण करो, तो भी जो है वो अधिगम जो है वो एक विषय अधिगम होगा और एक विषय समेकन होगा। प्रत्येक विषय वस्तु में अधिगम की प्रभावी विधि, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस विषय वस्तु का हम शिक्षण कर रहे होते हैं उसके लिए प्रभावी विधि कौन कौन सी है उसको सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों में विषय चित्र के बीच समेकन की समझ हेतु मार्गदर्शन करना। अब विद्यार्थियों को विषय क्षेत्र के बीच में समेकन हेतु मार्गदर्शन हम कैसे उत्पन्न करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे हम उनको सपोज टू बी लेके जाते हैं फील्ड में, या आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये जो है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अर्थशास्त्र, ये सारे विषय आते हैं। अब कोई एक नागरिक में अच्छे नागरिकता के गुणों का विकास करना, यह हमारा संप्रत्यय है, तो हमें विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा कि अच्छे नागरिकता के गुणों का विकास कैसे किया जाएगा, उसका संबंध इतिहास से कैसे है, उसका संबंध नागरिक शास्त्र से कैसे है, उसका संबंध समाज के साथ कैसे है, और एक अच्छा नागरिक किसे कहते हैं, समाज में अगर हो तो उसे एक अच्छा नागरिक किसे बोलेंगे। इस तरह से हमें विद्यार्थियों में विषय क्षेत्र के बीच समेकन हेतु कुछ मार्गदर्शन करना चाहिए। हम अगर और उदाहरणों के माध्यम से अगर हम एक विषय के अंतर्गत समेकन को लें, तो जैसे हमने अभी बताया कि परिवार या पाठ के गांव में त्यौहार, इस तरह से बहुत सारे विषय जो हों वो उसको हम ले सकते हैं। उसको उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि गांव में त्यौहार को छोड़ करके आप कोई अन्य विषय लीजिए जिस पे आपको विद्यार्थियों को एक साथ कई विषय कई संप्रतियों को जोड़ना हो, जैसे मान लीजिए क्रय, वाणिज्य का एक प्रकरण ले लीजिए क्रय, तो क्रय करना उसका बाजार से संबंध है, क्रय करना उसका अर्थशास्त्र के साथ संबंध है, लेकिन क्रय वो तभी करेगा जब वो लाभ हानि जानेगा, तो लाभ हानि का क्रय से संबंध है। इस तरह लाभ हानि को हम ब्याज से भी देख सकते हैं, लाभ हानि को हम क्रय की दक्षताओं से भी देख सकते हैं। तो बच्चों को पहले क्रय करना बताएं, फिर उनको बताएं कि लाभ हानि क्या है, और फिर दोनों में तुलना करके बताएं कि लाभ हानि और क्रय क्या है। इस तरह से एक संप्रत्यय के साथ दूसरे संप्रत्यय को हम समेकित करके एक विषयी समेकन, एक विषयी अधिगम एकीकरण की प्रक्रिया को हम संपादित कर सकते हैं। तो छात्रों, आज हमने बहुविषयी समेकन, एक विषयी समेकन में अंतः विषयी समेकन के अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं और पाठ योजना के निर्माण के बारे में चर्चा की, समेकन से क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में चर्चा की। नमस्कार।